नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। बात आपने गांव की में हम बात करेंगे। आपने गांव की बात के साथ सवाई माधोपुर जिले में क्या कुछ हुआ उसके बारे में। तो बामुना सुखंड के आज जितने भी गांव थे वहां अधिकारियों ने अपना जमावड़ा जमा रखा है और कहीं न कहीं जो कोरोना संक्रमण की जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसकी पालना कराने के लिए लगे हुए हैं। रात से मौसम में कुछ ज़्यादा परिवर्तन हुआ और शाम से रिमझिम बारिश बामनवास और बामनवास के क्षेत्र जो आसपास के गांव हैं उन्होंने लगातार बारिश का दौर जारी है। सुबह से भी बारिश लगातार रुक रुक के आ रही है और आज सूरज के भी दर्शन नहीं हुए जिसके चलते तापमान में गिरावट आई और सर्दी जैसा माहौल बना हुआ है। आज हमारी दो डॉक्टरों से बात हुई और हालांकि मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं उनको लाइव पर नहीं ले सका तो डॉक्टरों ने कहा कि इस मौसम में आम तौर पर जो व्यक्ति हैं उनको स्वास्थ्य का प्रति काफ़ी जागरूक रहना पड़ेगा और जो चीज़ें हम ले रहे हैं उन चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे हम ठंडी चीज़ ले रहे हैं तो ठंडी चीज़ों को हमें नहीं लेना है, गर्म पानी पीना है, नींबू का ज़्यादा सेवन करना है, बहुत सारी चीज़ें उनने बताई और मैं बहुत जल्दी आपको डॉक्टर साहब से रूबरू भी कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थोड़ा मौसम परिवर्तन का है, इसमें आप लोग सभी जो हमारे दर्शक हैं, जो दर्शक नहीं हैं आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं या हमारे दर्शकों के परिवार वाले हैं या रिश्तेदार हैं या मिलने वाले हैं तो कहीं कहीं आपको इस बरसात का जो मौसम अभी बना हुआ है गर्मी के मौसम में इसमें कहीं कहीं हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है और सरकार की जो गाइडलाइन है उसका भी हमें पालन करना घरों में रहकर। मैं बता दूं कि रात को मेरी 6 बजे के बाद अचानक तबीयत खराब हो गई थी और अभी भी मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा ना हम दर्शकों के बिना रह नहीं पाते, जब तक हम दर्शकों से बातचीत नहीं कर लेते तब तक हमें आराम नहीं मिलता और मैं जब तक दर्शक मुझे देख रहे हैं मेरी तबीयत लगभग तबीयत में सुधार है। डॉक्टरों ने लगातार मेरे को सहयोग किया, कोऑपरेट किया, लेकिन एक समस्या जो मेरे सामने बन के उभरी है वो सुबह से मेरे अचकी इतनी खतरनाक चल रही है और ये अचकी बंद होने का नाम नहीं ले रही। अगर कोई दर्शक इसके बारे में कोई उपाय जानता हो या देसी कोई नुस्खा हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मेरा सारा बॉडी का टेम्परेचर वो सही नहीं हो पा रहा और आप मुझे डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं कि अचकी मुझे बार बार परेशान कर रही है। तो हालांकि मैं स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता हूँ लेकिन कल शाम को अचानक पता नहीं क्या हुआ और ये आपकी दुआएं थी, आपका प्रेम था, आपका आशीर्वाद था कि मैं बिल्कुल रिकवर हुआ हूँ और जो परेशानी है वो अब कम हुई हालांकि, लेकिन डॉक्टर ने मुझे सख्ती से कहा कि आपको कुछ दिनों तक आराम करना पड़ेगा अन्यथा हो सकता है कि आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए। लेकिन मैं घर पर रहकर आप लोगों को जागरूक और आप लोगों से बातचीत जरूर करता रहूँगा जब तक मैं 2 या 3 दिन के लिए घर पर हूँ। तो ये अचकी का जो मेरी जो प्रॉब्लम है आप देख पा रहे डिस्प्ले पर बार बार ही आ रही है और मैं इतना बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जब बोलता हूँ तो थोड़ा सा अचका सा दर्द होता है। तो ये अचकी के बारे में अगर कोई जानता मेरे दर्शक तो मुझे इसके बारे में अवगत जरूर करवाए। और आज मौसम का परिवर्तन था, बरसात लगातार शाम से हो रही थी। बामनवास क्षेत्र के लगभग हर ग्राम पंचायत से हमारे पास समाचार आए कि नालियां अवरुद्ध होने के कारण कई जो मकान जो कच्चे घर थे गरीब लोगों के उन घरों में पानी भर गया और उनको काफ़ी सारी परेशानी हुई। कई हमारे पास दर्शकों के ऐसे फोन आए और मैं बाटादार क्षेत्र के आसपास जहाँ से हमारे पास फोटो भी आई उन फोटो को देखने के लिए जिनके कच्चे घर थे, जिनके छान थी या कोलू के जो पुराने हमारे घर थे वो कई घर रात को गिर भी चुके थे। एक दो फोटो मेरे पास आए भी है। तो जो इनका मेंटेनेंस है, गरीब परिवार है, वो रहते हैं कई कई जगह पे ऐसे हादसे हुए कि वो पूरा जो अंदर बीच में वो लगाते हैं एक लकड़ी का बरेंडा मार जो बोलते हैं वो गिर गया और बड़ा हादसा होने से रुक गया। ये घटना थी बाटोदा की। हम वहाँ जाके भी आए थे, गांव का मैटर था, मैं वहाँ गया था और उनसे कह के भी आया था कि आप बाहर निकल जाए और पूरे घर में पानी भरा हुआ था। तो ज़्यादातर हमारे पास बामनवास और बामनवास के क्षेत्र से यही खबर आ रही है कि सर किसी के घर में पानी भरना, किसी की छान टूट जाना, ऐसी सारी चीज़ें आ रही है। तो हमें भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि हम
गरीब परिवार के लोग हैं और गरीब परिवार में लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अचानक बारिश से लोग अपने घरों का जो गर्मियों के अंदर मेंटेनेंस कर रहे हैं वो मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण ये परेशानी हमारे पास आ रही है। नालियों की मैं बात करूँ, कहीं कहीं नालियाँ अवरुद्ध होने के कारण परिवार में घर जिनके घर नीचे हैं उनके घर में पानी भी भरा है, तो आप उस थोड़ा सा सहयोग आप भी कीजिए और अपने अपने घरों का उस नाली को थोड़ा सा दुरुस्त रखिए ताकि हमको ये परेशानी नहीं। अगर आपके साथ कोई ऐसी बड़ी घटना हुई है तो आप पंचायत को अवगत करा सकते हैं, क्योंकि हम आपके समाचार चला सकते हैं, अवगत कराना आपका काम आप ही को करना पड़ेगा। तो इस बारे में आपने जो समस्या है छोटी मोटी वो ग्राम पंचायत को अवगत कराइए, और जो सैनिटाइजर हाइपोक्लोराइड का जो छिड़काव था वो कहीं ना कहीं अब उसकी गति रुकी है क्योंकि मौसम खराब है और लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अब हम रुक करेंगे, आज हमारे पास क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उस तबीयत ठीक होने के कारण मैंने आज कहीं से भी रिप्लाई नहीं देखा कि, और ना हमारे दर्शकों ने कोई मुझे रिप्लाई भेजा कि आसपास के क्षेत्र में और कोई समाचार। तो हम समाचार उठाएंगे अब सवाई माधोपुर से, काफ़ी सारे हमारे पास समाचार आए हैं। तो सबसे पहले समाचार मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में 21 जून तक 100 धारा 144 की अवधि बढ़ा दी गई है, और ये धारा 21 मई को समाप्त होने वाली थी लेकिन 22 मई से 21 जून तक, 22 मई से 21 जून तक 144 की धारा उसको बढ़ा दी गई है। ये गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन के जो अधिकारी है उनको सख्ती से इसकी पालना के आदेश दिए हैं ताकि चेराना संक्रमण की जो चेन है उसको हम तोड़ सके। पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग में है और लोगों को जागरूक और समझा कर रहे हैं। इस दौर में आज पुलिस अधीक्षक सुदेश चौधरी ने कई क्षेत्रों का दौरा किया, जैसे बरवाड़ है, सिवाड़ है, बोड़ी है, जस्टन है, वे भाड़ोती है, इन क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया और गाइडलाइन की पालना एवं अंतर जिला से आने वाले वाहन की जो आवाजाही है उसको जांची और कहीं कहीं इसको कम करने की सख्ती से पालना करने के लिए प्रशासन को सचेत किया ताकि हम कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ सके। पुलिस गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए और जो उल्लंघन करते हैं उन रोकथाम के लिए सरकार और प्रशासन ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को इनकी जिम्मेदारी दी है और ये नायब और तहसीलदार और तहसील दोनों मॉनिटरिंग करेंगे अपने अपने एरिया के हिसाब से। सवाई माधो में जितने भी उपखंड है वहाँ नायब तहसीलदार और तहसीलदार को लगा दिया गया है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो COVID-19 की जो दूसरी लहर है इसकी रोकथाम के लिए सारा काम प्रबंध सरकार द्वारा किया जा रहा है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से साथ सहयोग कर रहा है। तहसील मुख्यालय बावनवास पर तहसीलदार जगरा मीणा जी को लगाया गया है। बावनवास से सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मॉनिटरिंग करेंगे और लोगों की जो गाइडलाइन की जो उल्लंघना कर रहे हैं उनको कहीं कहीं रोकथाम में पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रकार नायब तहसीलदार बरनाला घनश्याम मीणा जी को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक इनकी ड्यूटी लगाई गई है। और तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरे सख्ती के मूड में है, और सख्ती जब प्रशासन में बढ़ती हम लोग भी जागरूक हुए, और जागरूक होने के बाद कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण है इसको हम रोकने में काफी हद तक जा चुके हैं। तो ये समाचार थे। आज जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने झोला छाप डॉक्टरों के प्रति कार्रवाई और करने के आदेश दिया, और उन्होंने झोला छाप के खिलाफ कुंडेरा, मलाना स्टेशन, बालेर सहित अन्य उपखंडों में कार्रवाई की। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण का समय और ये झोला छाप डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे हमारे पास रिपोर्ट आई है कि ये जो भी मरीज आते हैं उसको छोटी मोटी दवाइयाँ दे के या उनके समझ में नहीं आते उनको दवाइयाँ देने के प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं ये ड्रिप लगाने का पूरी बंदोबस्त करते हैं, और ड्रिप ही हमारे सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुई है। और दूसरा जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तब उसको रेफर ये कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ही जान पे आफत आ बनी है। और इसके कारण आज जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने आदेश निकाला और कहीं सभी उपखंडों में
लगभग लगभग जो झोला साहब डॉक्टर है जो बिना अनुमति या बिना रजिस्ट्रेशन के वो कार्य कर रहे हैं, उनकी सख्ती से कई दुकानों को उन्होंने सील भी की है, तो सख्ती में वो दिखाई दिए। पिछले 24 घंटों में जिला अस्पताल सवाई माधोपुर में कोरोना के 22 मरीजों को जो ठीक होकर अपने घरों पर पहुंच चुके हैं, और गंगाव सिटी में 9 मरीज ठीक होकर अपने घरों में पहुंच चुके हैं। तो कहीं कहीं राहत की खबर हमारे पास आई है, और राहत की खबर ये कि आज 78 लोगों जो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा कहीं गुनी रिकवरी रेट हमारे पास आई है, वो 161 लोग रिकवर होके अपने घरों पे पहुंच चुके हैं। तो कहीं कहीं ये हमारी जागरूकता का परिणाम है, हमारी समझ का परिणाम है, और लगातार हमारे जो केस है वो घट रहे हैं और घटते जाएंगे अगर हम इस प्रकार सजग रहे और जागरूक रहे। तो पुलिस लाइन में 10 बेड कोविड केयर सेंटर की आज शुरुआत की, और पुलिस अधीक्षक चौधरी ने फीता काटकर उसका शुभारंभ किया ताकि वहां लोगों को रख सकें और उनका ट्रीटमेंट हो सके। मोबाइल ओपीडी बेन गांव में लगातार चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए अब रवाना हो चुकी है, और जिले में 5 मोबाइल ओपीडी बेन शुरू कर दी गई है, जिससे लोगों को घर घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी वो जानकारी लेंगे और दवाइयां उनको वितरित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में गाइडलाइन की पालना कराने के लिए 30 अधिकारियों को लगाया गया। 21 एवं 22 मई को चलाया जाएगा, और ये अभियान 21 मई से 22 मई को चलाया जाएगा। और विशेषकर मैं आपको बता दूं कि हमारे जो क्षेत्र है बाटा और बंडाला, इसमें इस गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए गंगा साई मीणा जी को लगाया गया है, और वो बराबर आपकी मॉनिटरिंग करेंगे कि बाटोदा बंडाला में जो कोरोना संक्रमण चल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए वो बराबर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। मलान डूंगर में भी SDM रघुनाथ खटीक के माध्यम से झोला साहब डॉक्टर चिकित्सा के खिलाफ आज छापामार की कार्रवाई की, और कई ऐसे छापामार जो बिना रजिस्ट्रेशन के या बिना प्रमाण पत्र के या बिना डिग्री के चला रहे थे, उनके भी उन्होंने कार्रवाई की। तो ये कार्रवाई जायज है, और हम लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये झोला साहब डॉक्टर ही कहीं कहीं हमें अंधकार में ढकेलते हैं और हमें परेशानी का कारण ये बनते हैं। जब हमने ये समाचार फेसबुक या ट्विटर या कहीं मैंने उसको डाला, तो कई हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कहा कि सब झोला साहब डॉक्टरों इस कोरोना संक्रमण के दौर में वो हमारी कहीं कहीं राहत भरी काम कर रहे हैं और लोगों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। सर, हमें आपको जानकारी के लिए इतना बताओ, मेरे दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, हम जो गवर्नमेंट की और सरकार की जो हमारे पास प्रेस नोट आता है, उसी प्रेस नोट के आधार पर हम आपको समाचार दिखाते हैं। हम हमारे मन से कोई समाचार नहीं बनाते ना ही कोई समाचार हम डालते हैं। तो आप उस समाचार को पढ़िए, और जो सरकार ने गाइडलाइन दी है या सरकार ने किसी प्रकार की जो आपको सचेत किया है, वो सरकार की गाइडलाइन है, हमारी गाइडलाइन नहीं है। हम केवल जो सरकार की बातें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपकी बातें हैं वो हम प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कुछ लोगों ने मेरे को लिखा कि साहब झोला साहब डॉक्टरों से बहुत काम है और इनके भरोसे हमारी जो जीवनचर्या है वो चल रही है, हमें छोटी छोटी बीमार, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर कहीं कहीं ये लोग हमें दिक्कतें भी खड़ी करते हैं और परेशानियां भी हमें खड़ी करते हैं। तो कहीं कहीं हमें सजग भी रहना चाहिए। और आजकल मैं बता दूं हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, वर्नाला देख लीजिए आप, बाटोदा देख लीजिए आप, या बांगवा चले जाइए आप, तो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। और इन डॉक्टर के साथ आयुर्वेदिक जो चिकित्सालय इन्होंने खोल रखे हैं, तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सालय के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं, उनसे भी आप परामर्श ले सकते हैं, लेकिन आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको जागरूक रहना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ये समाचार थे नए। मैं मेरे तमाम दर्शकों से अब आप हम बात करेंगे आपकी और हमारी। आपकी और हमारी बात यही है कि मनुष्य का
कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। इसको बात को आप भी जानते हो और मुझे भी, मैं भी जानता हूँ। हर आदमी की जो स्वस्थ भरी दिनचर्या रहे, हम एक चाहते हैं कि वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारी तबीयत में एक ऐसा परिवर्तन आता है और हमें पता नहीं चलता। और ऐसे कई हमारे पास समाचार आए हैं, भलाई के कार्य हमें करने चाहिए और अच्छे कार्यों के लिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। फालतू की जो चीज़ें हैं उनको हमें नहीं करना चाहिए। अभी हमारा दौर है कि जो ये कोरोना संक्रमण का है, इससे हमें लड़ना है और इसे जागृत रहना है, लोगों को जागरूक करना है, हमारे परिवार को सुरक्षित रखना है और परिवार के साथ हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उनको हमें स्वस्थ रखना है ताकि हम आगे की जो दिनचर्या है, आगे का जीवन है, वो आसानी से काट सके। आज मैं आपके सामने डिस्प्ले पे बैठा हूँ, लेकिन मैं कैसे बैठा हूँ मैं खुद जानता हूँ कि अचानक जब तबीयत खराब होती है तो क्या होता और किस प्रकार सारी चीज़ें। जब मेरी कल तबीयत खराब हुई थी तो मुझे बहुत बुरा लगा और एक बात ऐसा लगा कि शायद मेरी अब बचने के चांस 99% नहीं है। लेकिन आपकी दुआएं, डॉक्टरों का सहयोग और मेरी हिम्मत वो काम आई और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे जितने भी दर्शक हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो जोधपुर में हो, चाहे वो जयपुर में, काफ़ी सारे मेरे दर्शकों का मेरे पास फ़ोन आया। रात को मैं तबीयत खराब होने के कारण फ़ोन नहीं उठा पाया, लेकिन सुबह उनसे बात की तो कई हमारे दर्शक थे, उनको हमारी चिंता थी। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी बदौलत ही आज मैं ठीक हूँ और आपकी जो दुआएं हैं वो मेरे को काम आई और आपके सामने आज मैं डिस्प्ले पे बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये दुआएं काम आती है। आप अच्छे काम करते चलिए, हो सकता है गलती से कोई ऐसा हमसे काम हो जाए, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और आगे के लिए हमें अच्छे करने चाहिए। कई सारे ऐसे भामाशाह, ऐसे समाज सेवक जो अभी कुछ दिन पहले सड़कों पे पंपलेट लगाते हुए फिर रहे थे, लोगों को जागरूक करते हुए फिर रहे थे, लोगों की समस्या सुनते हुए फिर रहे थे, हड़तालों में हड़ताल करते हुए सुन रहे थे, किसानों के हितैषी बनते हुए सुन रहे थे, युवा जो बेरोजगार है उनके हितैषी बनते फिर रहे थे। कहीं कहीं आज वो लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं अपने घरों में और जिन लोगों को आज उनकी ज़रूरत है वो आस लगाए बैठे हैं कि वो लोग हमें कब दिखाई देंगे और कब हमको सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज मेरे पास कई लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि सर इस समाचारों को आप लगा दीजिए। सर हम समाचारों को लगाने का पूरा प्रयास करते हैं, हम समाचारों को लगाते भी हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके समाचार लगाने से क्या होगा, आपका नाम होगा, आपकी TRP होगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी TRP आपको जब मिलेगा, आपको आशीर्वाद जब मिलेगा। आप जब जनता का सहयोग करोगे, जनता का कोऑपरेट करोगे और जनता को आप साथ लेकर चलोगे, क्योंकि आज जनता को आपकी आवश्यकता है, आज सरकार को आपकी आवश्यकता है, आप प्रशासन को आपकी आवश्यकता है, गरीब लोगों को आपकी आवश्यकता है। आज उनको मदद नहीं करोगे तो फिर कल आप क्या करोगे। और मैं जानकारी के लिए इतना भी बता दूं कि आने वाले 2 या 3 दिन बाद या 15 दिन बाद या महीने बाद आप फिर सड़कों पर निकलोगे, आप समाज सेवक बनोगे, हितैषी बनोगे और जनता का हर संभव कार्य करने वाले बनोगे। लेकिन वो कार्य केवल आप दिखावा करते हो। तो मेरा मानना है आज मैं रहूं या ना रहूं, हो सकता है मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए या नहीं ठीक भी हो जाऊं आपकी दुआ से, लेकिन जब तक मैं हूं जनता का सहयोग करता रहूंगा, आप लोगों की समस्याओं को उठाता रहूंगा, आपकी मदद जो मेरे से बनेगी मैं करता रहूंगा। आपको भी मैं कहना चाहूं, ये पंपलेट छिपाने से, रैलियां निकालने से, केवल अखबारों में आने से, चैनलों पर आने से आपका भला नहीं होगा। इन गरीबों की आज आपकी आवश्यकता है, कहीं न कहीं आपकी सख्त जरूरत है इनको। तो आप आइए और इनकी मदद कीजिए। हमारे पास इतने फोन आते हैं कि सर हमारी ये समस्या है, सर हमारी ये समस्या है, लेकिन हम हर आदमी की समस्या सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार मैं जितना भाग सकता हूँ मैं उतना भाग रहा हूँ। मैंने कई भामाशाहों से आग्रह किया कि आपके पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है और आपको अगर कुछ अगर उसमें से आप खर्च भी कर देंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन गरीबों को उसका बहुत फर्क पड़ेगा, वो आपको नहीं भूल पाएंगे। कितने भामाशाह आज आगे आए, हमें सलाह देते हैं कि सर हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, हम इस प्रकार कर लेते हैं, लेकिन एक भी भामाशाह कुछ को छोड़ के, और वो भी ऐसे भामाशाह जिनकी छोटी सी नौकरी है बेचारों की, जिन्होंने कुछ सहयोग किया, किसी की छोटी सी दुकान है उन्होंने सहयोग किया, लेकिन जो पैसों से भंडार भर के पड़े हैं वो केवल अपने घरों में है और आज सरकार और प्रशासन ना जनता को किसी को अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहे।
हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं सामाजिक तौर पे आपको कह रहा हूँ कि आप आइए, जनता का सहयोग कीजिए, गरीब लोगों की मदद कीजिए, ताकि आपकी मदद से इन गरीबों का कुछ भला हो सकते। दूसरी बात, हमारा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि हो सकता है मैं या दो या तीन दिन के लिए घर पर हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँ। 5 बजे पहले पहले आपके एरिया के जो भी परेशानी है, जो समाचार है, आप मुझे फोटो सहित व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, ताकि हम उनको चला सकें और प्रशासन तक उन बातों को हम पहुँचा सकें। आप देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल। मैंने कहा कि मैं सुबह से थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ, लेकिन कई ऐसे लोग हमारे जो भामाशाह है या हमारे जो कार्यकर्ता हैं या मेरे जो चिरपरिचित है, तो मैं उनको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे याद किया और मुझे हिम्मत बंधाई और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन कभी पता नहीं कि मौसम में मुझे क्या हो जाए, क्या कह नहीं हो, तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, आप और आपके समाचार मुझे दिखाते रहिए, मैं बताता रहूँ। लेकिन ये जो अचकी मेरे को चल रही, हो सकता है ये अचकी मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, तो अगर आप इसका कोई आपके पास इलाज हो तो मुझे, हो सकता है मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, तो आप मेरे को 1200 पे इसका कोई आप देसी या कोई ऐसी जानते हो तो आप मुझे डाल देता कि मैं इससे थोड़ा, क्योंकि यही मेरी सांस रोक सकती है और पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो अथा कुछ भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं थोड़ा सा सही हुआ और आज आपके सामने हूँ। लेकिन मुझे बहुत डर लगा हुआ है, लेकिन आपके आशीर्वाद प्रेम के आगे मैं सब भूल जाता हूँ, तो इसका कोई उपाय हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आपके जो समाचार है वो मुझे आप नोट करवा सकते हैं 5 बजे पहले पहले। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास अभी भी कई सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सर आप मुझे फ़ोन करते हो लेकिन आपकी जो समस्या, आपकी परेशानी है जो पर्सनल, वो प्रशासन से आप ही को मिल बैठ के वो करनी पड़ेगी। कई लोग ऐसे फ़ोन करते हैं कि सर मेरा ये काम है 6 महीने से पेंडिंग पड़ा था, सर आप अधिकारियों से मिलिए, अगर अधिकारी आज कोरोना सेंटर में लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं, हो सकता है आपका कल मिल जाएगा। कई लोग तो ऐसे फोन करते हैं कि साहब पटवारी ने हमारा ये काम नहीं किया, तो सर आप विजय वर्मा से मिलकर बात कीजिए, क्योंकि हमारी जो सेवा है वो हम आपसे करेंगे, लेकिन आपका आपको ही करना पड़ेगा, हर काम हम नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर के आगे नाली सफाई नहीं हुई, कोई बात नहीं आप ही कर सकते हैं इस काम को, तो अपने अपने घर के आगे अगर हम नाली को सफाई कर सकते हैं तो वो दूसरा करेगा, तीसरा तो हमारे कहेंगे स्वस्थ और हमारा ही तो काम होगा, हम प्रशासन के भरोसे पर अगर बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, कुछ नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो आप लगातार हमें फ़ोन भी ना कीजिए, क्योंकि हम कहीं बिजी रहते हैं, कई अधिकारियों से बात करने में, कई समाचार को इकट्ठा करने में, कई भी चीज़ों को लेकर हम बैठे रहते हैं, और हमारा जो पत्रकार साथी है आप जानते हो कि सवाई माधोपुर नहीं बल्कि सवाई माधोपुर के आसपास जहाँ भी हमारे पत्रकार बंधु हैं वो लगातार आपकी खबरों को चला रहे हैं इस कोरोना समय में, और अपनी जो जिंदगी उसको उन्होंने दाव पर लगा रखा है। लेकिन दुख मुझे इस बात का है, कभी भी किसी भामाशाह ने, कभी किसी सरकार के नुमाइंदे ने हमारे पत्रकारों को कभी धन्यवाद नहीं दिया कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप इतना काम कर रहे हो, ना कोई हमारे, ना हमारे लिए कोई ट्रीटमेंट बनाया गया कि आप ये चीज़ों लेके आप सुरक्षित रह सकते हो, हमारे फील्ड में जाते हो तब, तो कहीं ना कहीं ये विडंबना भी हमारी है। मैं जो भी बात करता हूँ दिल से करता हूँ, दिल को छूके करता हूँ, चाहे भले कुछ भी हो, प्रशासन हमें कुछ भी कहे, जनता हमें कुछ भी कहे, लेकिन कहीं हमारी, हमारा दर्द भी है साहब, हम आपकी सेवा करते हैं, हम प्रशासन की सेवा करते हैं, हम लगातार फील्ड में रहते हैं, अगर आज हमें कुछ हो जाता है तो हमारे क्या होने वाला है, पीछे कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा हमारे पत्रकार भाइयों का आप सहयोग कीजिए, उनका साथ भी दीजिए, और इस कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उनको सहयोग भी कीजिए, क्योंकि वो लगातार जिस प्रकार फीडबैक ले रहे हैं, लगातार आपको समाचार दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनका हम सहयोग करें। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, और मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट, और दिल से एक बार सबका धन्यवाद जिन्होंने मेरे तबीयत के बारे में लगातार मॉनिटरिंग की, और मैं आपके आशीर्वाद से अब तक तो ठीक हूँ, लेकिन पूरा स्वस्थ हो जाऊंगा जब देखते हैं हम फील्ड में निकलते हैं, और आपके सेवा में बिल्कुल हाजिर हूँ, और आप बने रहिए, करते रहिए लोगों की सेवा, लोगों की सहायता, ताकि लोगों को भी कहीं कहीं जीने का सहारा मिल सके। तो लाइक शेयर कमेंट मैं डेली नहीं कहूँगा, आज के बाद तो मैं एक चीज़ कहूँगा ही नहीं कि आप लाइक करो या शेयर करो, मत करो,
क्योंकि आपका काम आप करोगे, हमारा काम हम करेंगे। लेकिन आज के बाद मेरे से मुंह से आप कभी ये नहीं सुनोगे कि हम आप लाइक कीजिए या शेयर कीजिए या कमेंट लिखिए। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट लिख दीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप मत लिखिए, जो भी आपको करना है वो आप कीजिए। क्योंकि हम जिस परेशानी में होकर भी आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, कहीं ना कहीं आपका धर्म भी बनता है, लेकिन आप वो चीज़ें नहीं करते। और यही कारण है कि हम आपसे थोड़ा सा मज़ा नहीं आता काम करने में। तो आप लाइक शेयर तो आज के बाद मैं नहीं कहूँगा, आप चाहो तो करो या मत करो, लेकिन मैं आपको समाचार जरूर दिखाता रहूँगा। हम समाचारों को भी लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। जब तक जय हिंद जय भारत।